हेलो गाय वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है कल की ट्वेंटाइज सैडर नाइनटी एट ए यह एक पेन इंडियन फिल्म है इस फिल्म को किस तरह से किसी क्या आप ऑफिशियल देखोगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले वहीं पे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहां पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की टोमताई एट नाइन्टी एडी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोंटा 898 एट एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग ऑश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ऑश्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी यह फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्ना पना स्टूडियो वाइफ फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नजर आएगी कि जहाँ पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म के नीचे इस फिल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के, के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर प्रोडक्शन के 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 द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पेरेंस भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करणा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पड़ुकर ने साम 18 एल आई सुमती का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाईराव का है है तो वह उसमें जो वॉइस ओवर है, आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकरर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दूलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियो देती हुई नजर आएगी और एस एस मोली भी इस फिल्म में केमियो देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पे राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फोट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग अश्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सात अगस्त 2019 को की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन था वो सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधे श्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे श्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको छह सौ सौ करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमें से सौ करोड़ तो कम ऐसी कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पिता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाई एट नाइन्टी रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था कि कलकवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कल के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थीं वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साईमाधव बुर्रबीयस सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फ़िल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और क्रमेंबर के साथ फ़िल्म का वर्किंग टाइटल प्र प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मॉथ डीवन दू दिलुब्स जीरो मूवीज का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थीं। वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक अः जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त दो में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेड्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सर्बन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे पर नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ था उसके बाद में दीपिका को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था और उनकी देखा जाए तो एक अनरिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेयर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस एस राजा मौली गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को जवाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकंड शेड्यूल था वह फरवरी 2022 में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई 90 पर फ़िल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फ़िल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाड़न का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की शूटिंग तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से यह फिल्म काफी बढ़िया बन के निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती हैं। तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 तो करोड़ की की हुई थी जहां पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थे कल जहाँ पर 390 करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने अस्सी करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आई के ऊपर अट्ठाईसठ हजार वोट हासिल कर लिए उन्टाली टीसठ हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक करोड़ प्लस का, का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए से से कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहां पे इंडिया से एक करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इन साइड आउट टूअर्ड क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें फोर करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सात दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने 700 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगु वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरह पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का, का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन चालीस करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने सोलह करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनेसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ 15 पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे 700 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो दो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास है जहां पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओ टी है वो एमेजोन बिजनेस डॉट इन वह नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजॉन डॉट इन विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोनता एट नाइन यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोनता एट हंड्रेड देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगना कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी यह फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्ना पना स्टूडियो वाई फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नजर आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म्स के नीचे इस फिल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डिवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पेरेंट्स भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करुणा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पडुकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्ना बेन इस फिल्म में संभला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाई राव का कंपेनिया है तो वो उसमें जो वॉइस ओवर है वह आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दूलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियों देती हुई नजर आएगी और एस एस मोली भी इस फिल्म में केमियों देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पे राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फोट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया है कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग अश्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयंती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साठ अगस्त दो को की गयी थी जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन था वो सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधे श्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे श्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको छह सौ सौ करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमे से सौ करोड़ तो कम ऐसी कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पित्ता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाई एट रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था की कलकवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कल के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थी वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साईमाधव बुर्रबीएस सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फ़िल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और क्रमेंबर के साथ फ़िल्म का वर्किंग टाइटल पर प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मॉथ हम्बा डी व्यू दीरो मूवीज का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थीं। वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त दो में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेटग्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सरबन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रस नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ था उसके बाद में दीपिका पाड़ान को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था और उनकी देखा जाए तो एक अनिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे, वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस राजा मौलीराम गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को जवाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी दो में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई 90 पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाड़ोकन का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की शूटिंग तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से यह फिल्म काफी बढ़िया बन के निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती हैं। तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था के वी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्रीलक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 तो करोड़ की की हुई थी जहाँ पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थी कल जहाँ पर 390 करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने 80 करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आई के ऊपर अट्ठाईसठ वोट हासिल कर लिए टी हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म्स ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन करीब करोड़ जितना ग्रोस का किया था, बाकी सभी और कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहाँ पे इंडिया से एक करोड़ के आस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इनसाइड आउट टूअर्द क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें 484 हंड्रेड करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सातत दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने सात करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगु वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरह पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे 700 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो दो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास है जहां पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओ राइट्स है वो एमेजॉन बिजनेस डॉट इन वह में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजॉन डॉट इन विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोमटाइट नाइनटी एट एडी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोनता एट हंड्रेड एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगना कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी यह फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्ना पना स्टूडियो वाई फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नजर आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म्स के नीचे इस फिल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डिवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पेरेंट्स भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करना का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पडुकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाई राव का है। तो वो उसमें जो ओवर है, आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दूलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियों दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियों देती हुई नजर आएगी और एस एस राजा मोली भी इस फिल्म में केमियों देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पे राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फूट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया है कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग अश्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साठ अगस्त दो को की गई थी जहां पे इस फ़िल्म का प्रोडक्शन था वह सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधे श्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे श्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको छह सौ सौ करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमे से सौ करोड़ तो कम ऐसी कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पित्ता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाइल एट एट एडी रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था की कल कवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कलकी के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थी वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छ साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साई माधव बीएस सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और मेंबर के साथ फिल्म का वर्किंग टाइटल प्र प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मोथा डीवन दू दी जीरो मूवीज का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थी वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेड्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सरबन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे, कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रेस नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ था उसके बाद में दीपिका पाड़ान को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था और उनकी देखा जाए तो एक अनिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर एवर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नैर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफ़ी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस एस राजा मौलीराम गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को जवाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी दो में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई 90 पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाडोकन का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की शूटिंग तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया बन के निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना जाती हैं तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 तो करोड़ की की हुई थी जहां पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थे कल जहाँ पर 390 करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने अस्सी करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आईएमडीबी के ऊपर अट्ठाईसठ हजार वोट हासिल कर लिए उन्टाली हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 190 करोड़ प्लस का, का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म्स ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन करीब करोड़ जितना का किया था बाकी सभी और ससे कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहाँ पे इंडिया से एक करोड़ के आस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इन साइड आउट टूअर्ड क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थीं उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें फोर करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सातत दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने 700 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगू वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरीन पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसिस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे 700 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो दो ओ टी प्लेटफॉर्म के पास है जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओटी राइट्स है वो अमेजोन बिजनेस डॉट इन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजॉन डॉट इन विध सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोन्ता एट नाइन्टी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोंटा एट एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगना कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी यह फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्ना पना स्टूडियो वाइफ फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फिल्म्स और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नजर आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म्स के नीचे इस फिल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पस भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करना का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पड़ूकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हम्मस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाई राव का है। तो वो उसमें जो ओवर है, आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा। वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दुलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियों देती हुई नजर आएगी और एस एस राजा मोली भी इस फिल्म में केमियों देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पे राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फूट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया है कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नागस्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयंती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साठ अगस्त 2019 को की गई थी जहां पर इस फिल्म का प्रोडक्शन था सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधे श्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे श्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको 600 करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमे से सौ करोड़ तो कम से कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पित्ता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाइल एट रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था कल कलकवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कलकी के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थी वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साई बुर्र बी सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और मेंबर के साथ फिल्म का वर्किंग टाइटल प्र प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मोथा डीवन डिब्बीज का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थी वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक अ, जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेट दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सरबन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रेस नेगन को लिया गया था वहीं पर संगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ था उसके बाद में दीपिका को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था और उनकी देखा जाए तो एक अनरिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनकी सेकेंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेयर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर ठाकुरैसेस राजा मौली गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को ज्वाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी 2022 में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डीआई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई नाइन्टी पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाडोकन का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की शूटिंग तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया बन के निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बढ़िया बना जाती हैं तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था गया वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी स्क रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 तो करोड़ की की हुई थी जहां पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थी कल जहाँ पर थ्री सौ नाइनटी करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने अस्सी करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आई के ऊपर अट्ठाईसठ हजार वोट हासिल कर लिए उन्टाली हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 190 करोड़ प्लस का, का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द दाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन करीब करोड़ जितना का किया था बाकी सभी और ससे कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहां पे इंडिया से एक करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इन साइड आउट टूअर्ड क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें 484 करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सात दिनों के अंदर करीबन और करीबन छह करोड़ के बजट के सामने सात करोड़ का ग्रोज कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगु वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरीन पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे सात सौ तो करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु, हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो दो ओ टी प्लेटफॉर्म के पास है जहां पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन बिजनेस डॉट इन वह में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजोन डॉट इन विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोन्ता एट नाइन्टी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोंटा एट एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रूतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगणा कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेट्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्नापना स्टूडियो वाई फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फ़िल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज़ फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नज़र आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज़ ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म्स के नीचे इस फ़िल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पिर भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करुणा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पड़ूकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभाला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाई राव का है। तो वो उसमें जो ओवर है, आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा। वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दुलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियो देती हुई नजर आएगी और एस एस राजा मोली भी इस फिल्म में केमियो देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फोट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया है कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग अश्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयंती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउ अनाउंसमेंट साठ अगस्त दो को की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन था वह सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधे श्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे श्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको 600 करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमे से सौ करोड़ तो कम से कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पित्ता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाइल एट रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था कि कलकविता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कल के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थीं वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह हजार साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि छह हजार साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कल्की का जन्म होगा तो वह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साई बुर्र बी सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर्र दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और मेंबर के साथ फिल्म का वर्किंग टाइटल प्र प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मॉथ संबा डी वन दू मूवीज का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थीं। वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त दो में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेटग्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सरबन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रस नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ था उसके बाद में दीपिका को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था और उनकी देखा जाए तो एक अनरिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेयर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस राजा मौली गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को ज्वाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी 2022 में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई नाइन्टी पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाड़न का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की शूटिंग तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया बन के निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती हैं, तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 सौ तो करोड़ की की हुई थी जहां पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थे कल जहाँ पर 390 करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने अस्सी करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आईएमडीबी के ऊपर 28,000 हजार वोट हासिल कर लिए उन हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 190 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म्स ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन नाइन करोड़ जितना ग्रोस का के किया था बाकी सभी और ससे कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहां पे इंडिया से एक करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इनसाइड आउट टूर्द क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें फोर करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सात दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने 700 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे बाय डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगू वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरीन पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे सात सौ तो करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन्स में तमिल तेलुगु, हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो दो ओ टी प्लेटफॉर्म के पास है जहां पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन बिजनेस डॉट इन वह में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजोन डॉट इन विध सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोमटाईट एट एडी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोटा एट हंड्रेड एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगना कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पर इस फिल्म के लीकास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फ़िल्म को अन्नापना स्टूडियो वाइफ फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फ़िल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसी प्रोडक्शन कंपनीज़ फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नज़र आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज़ ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फ़ेरर फिल्म्स के नीचे इस फ़िल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है ऑन पेरेंट्स भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करुणा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पडुकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभाला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाईराव का कंपेनिया है तो वो उसमें जो वॉइस ओवर है वह आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकरर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दूलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियों देती हुई नजर आएगी और एस एस राजा मोली भी इस फिल्म में केमियो देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फूट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग नागस्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयंती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साठ अगस्त दो को की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन था वह सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधेश्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधेश्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको 600 करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमे से सौ करोड़ तो कम से कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे ये सभी चीजें 2021 में जो पित्ता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाई सर एट रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था कि कलकवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कल के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थीं। वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साई बुर्र बी सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर्र दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और क्र मेंबर के साथ फिल्म का वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सी के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मॉथ का तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं। जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थीं। वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त दो में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेटग्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला कि सरबन सिनेमेटग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल सिनेमेटग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रस नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ हुआ था था उसके बाद में में दीपिका को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था। और उनकी देखा जाए तो एक अनरिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेयर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस एस राजा मौली गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को ज्वाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी 2022 में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई नाइन्टी पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाड़न का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कम्प्लीट करवा दी थी जनवरी दो तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से यह फिल्म काफी बढ़िया बनके निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती हैं तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगु तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्रीलक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 सौ तो करोड़ की, की हुई थी जहाँ पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक थे कल जहाँ पर थ्री करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहाँ पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने 80 करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थिएटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आई के ऊपर अट्ठाईसठ हजार वोट हासिल कर लिए हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म्स ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन नाइन करोड़ जितना ग्रोस का की किया था बाकी सभी और ससे कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहाँ पे इंडिया से एक करोड़ के आस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इनसाइड आउट क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें फोर करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सात दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने 700 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे बाय डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगू वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरीन पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगु, कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे सात सौ करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु, हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओटीटी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट है वो दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के पास है जहां पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए जो OTT है, वो Amazon Business .in, वो Netflix's में देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजोन डॉट इन विप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा कल की टोन्टाई एट नाइन्टी एडी यह एक तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जहां पे तेलुगु में इस फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया है कल की टोटा एट हंड्रेड एडी देखा जाए तो एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको इंडियन जो बिलीफ है उसके साथ मर्ज करके एक फिल्म बनाई हुई है हाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे नाग अश्विन स्टोरी आइडिया उनका ही था जिसमें स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में नाग ओस्विन को मदद किए हुए रुतम समरसाई माधव बुर और बी एस सर्वगना कुमार ने इस फिल्म को सी अश्विनी दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने प्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्रोडक्शन कंपनी ऑफ जयंती मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर करीबन ये 600 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म है तो काफी एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पे अभी तक जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पर इस फिल्म के ली कास्ट में अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पाडुकोन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटग्राफी है वह डेजोर डीजे स्टोज कोविक ने की हुई है इस फिल्म को कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव के द्वारा एडिट किया हुआ है फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि तीन घंटे एक मिनट लंबी फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वह अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए जहां पे इस फिल्म का जो म्यूजिक है वह इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है सारे गमा के द्वारा म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए और गानों को कंपोज किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज किया हुआ है संतोष नारायण ने इस फिल्म को अन्ना पना स्टूडियो वाइफ फरर फिल्म श्री लक्ष्मी फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन कंपनीज जैसी प्रोडक्शन कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर हुई नजर आएगी कि जहां पे अन्नापूर्ण स्टूडियोज ने इस फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स करीबन एक सौ पपयालीस करोड़ के प्राइस में खरीदे हुए दुलकर सलमान जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी वे फेरर फिल्म्स के नीचे इस फिल्म के केरला के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए श्री लक्ष्मी फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म के तमिलनाडु के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर केवीएन प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म के कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर वैसे इस फिल्म के हिंदी डवर्जन के जो राइट्स थे नॉर्थ इंडिया के वो ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म की अब कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म की लीड कास्ट काफी लंबी है वैसे इस फिल्म की कास्टिंग ही पूरी तरह से लंबी है केमी ऑन पेरेंट्स भी काफी सारे देखने को मिलेंगे जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में अमिताभ बच्चन आपको अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे कमल हसन ने इस फिल्म में सुप्रीम यास्कीन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रभु प्रभास ने इस फिल्म में दो रोल प्ले किए हुए एक तो भैरवा जो मेन रोल है बाउंड हंटर का वह और जो महाभारत का जो सीक्वेंस दिखाया हुआ है उसमें करुणा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दीपिका पडुकरर ने साम 18 एलाई सुमति का रोल प्ले किया हुआ है जहां पे इस फिल्म में दिशा पटानी आपको रक्सी के रोल में देखने को मिलेगी शाश्वता चेट जी ने इस फिल्म में कमांडर मानसी का मानस का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का रोल प्ले कर करते हुए नजर आएंगे राजेंद्र प्रसाद ने रूमी का रोल प्ले किया हुआ है शोभना ने इस फिल्म में संभाला कि जो लीडर थी मारियम्मा की रिबेल वीरान का रोल प्ले किया हुआ है अन्नाबेन इस फिल्म में संभला की रिबेल कायरा का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी हर्षित रेड्डी ने इस फिल्म में लूक का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था वहीं पे काव्य रामचंद्रन ने इस फिल्म में लीली का रोल प्ले किया हुआ है जो कॉम्प्लेक्शन है संभाला की तरफ से वहीं पे आयाज पासा ने इस फिल्म में अज्जू का रोल प्ले किया हुआ है जो संभाला का रिबेल था अनिल जज ने इस फिल्म में काउंसलर बनी का रोल प्ले किया हुआ है केया नेर ने इस फिल्म में राया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार ने सीरियस का रोल प्ले किया हुआ है वेंकट रमणा ने रोनी का रोल प्ले किया हुआ है हमस बॉयड ने इस फिल्म में यूरी का रोल प्ले किया हुआ है सांगवासन ने इसमें लियोन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आपको बी यूजे जडव यानी कि बुजी करके एक एंड्राइड रोबोट देखने को मिलेगा व्हीकल देखने को मिलता है तो वह भाईराव का कंपेनिया है तो वो उसमें जो वॉइस ओवर है वह आपको सभी लैंग्वेजेस में करती सरेश का सुनने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म में दीपिका पडुकरर ने हिंदी वर्जन में लिए खुद अपने लिए वॉइस और दिया हुआ है वहीं पर जो तेलुगु वर्जन है उसके लिए सोबिता दूलीपाला वॉइस ओवर देती हुए नजर आएगी अब केम अपियरेंस की बात करें कृष्णा कुमार इस फिल्म में लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो महाभारत के सीक्वेंस है वहां पर वह दिखाई देंगे आपको और उसका वॉइस ओवर अर्जुन दास ने दिया हुआ हुआ है वहीं पर विजय देवर कोंडा इस फिल्म में अर्जुन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे दुलकर सलमान ने इस फिल्म में भरवा का गार्डियन यानी कि कैप्टन के रोल में केमियो दिया हुआ है मालकानेर ने उत्तरा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मृणाल ठाकुर दिव्या के रोल में केमियों देती हुई नजर आएगी और एस एस राजा मोली भी इस फिल्म में केमियों देते हुए नजर आते हैं बाउंड हंटर के तौर पर और बहरवा के राइवल के तौर पर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में चिंटू का रोल प्ले किया है जो एक स्ट्रीट फूट वेंडर है के अनुदीप ने इस फिल्म में जो रोल प्ले किया वह एक डांसर का था जो कॉम्प्लेक्टेड सर के तौर पर दिखाई देते ठीक उसी तरह फारे अब्दुल्ला भी कॉम्प्लेक्शन तोष नारायणा ने इस फिल्म में डांसर का रोल प्ले किया कॉम्प्लेक्शन आपको भायरावा के प्रोस्पेक्टिव बायर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म के डेवलपमेंट की शुरुआत है वह दो से की गई थी जब महानती फिल्म सक्सेस हुई थी नाग नागस्विन ने कहा था कि उसके पास एक ओरिजिनल स्टोरी है उसका स्क्रीन प्लेव काफी लंबे समय से लिख रहे हैं जहां पे यह फिल्म जल्दी आपको प्रोडक्शन में जाती हुई नजर आएगी जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे श्री अश्विनी दत्त वैजयती मूवीज के नीचे जिन्होंने इससे पहले महानती फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था उसके बाद में वैजयंती मूवीज के द्वारा इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साठ अगस्त दो को की गई थी जहां पे इस फिल्म का प्रोडक्शन था वह सितंबर में स्टार्ट करवाया गया था इसके लिए इस फिल्म की कास्टिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग कॉल भी किए गए थे वहीं पे 26 फरवरी 2020 में 58 जो एनिवर्सरी है जो अश्विनी दल थे उनके प्रोडक्शन की तो उसके मौके के ऊपर इस फिल्म के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाई गई थी जहां पर अनाउंस किया गया था कि प्रभास इस फिल्म में लीड रोल में होने वाले टेंटेटिव टाइटल प्रभास 21 दिया गया था क्योंकि यह उनकी 21वीं फिल्म थी और उसके बाद बाद में इस फिल्म को शूट करने का फैसला लिया गया राधेश्याम की शूटिंग के बाद बताया गया कि राधे राधेश्याम की शूटिंग भी उस समय चल रही थी जिस वजह से फिल्म की शूरी शूटिंग पोस्टपोन की गई थी क्योंकि यह फिल्म जब अनाउंस की गए जब फ्लोर पर आने वाली थी तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म काफी सारी फिल्मों को पोस्टपोन किया गया था जिसमें प्रभास की जो राधे श्याम थी उसकी शूटिंग भी बाकी थी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर बताया गया था करीबन ये फिर फिल्म आपको 600 सौ सौ करोड़ के बजट में बनती हुई नजर आएगी जिसमें से सौ करोड़ तो कम से कम प्रभास ने लिए हुए कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में अच्छा खासा पैसा लेते हुए नजर आए वहीं पर दीपिका पडुकोन दिशा पट्टानी को भी एक अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म काफी हाई एंड बजट के साथ बनाई गई थी रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू इस फिल्म को तैयार किया गया था जहां पर 80 करोड़ एडवांस में दिए गए थे प्रभास को और उसके बाद में जिस तरह की जो बेनिफिट रहेंगे उसके हिसाब से फिल्म को उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा फरवरी दो में इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई कि मार्च महीने से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी जहां पे यह सभी चीजें 2021 में जो पिता खता लकर के जो एक फिल्म थी उसके प्रमोशन के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने अनाउंस किया हुआ था कोविड 19 की वजह से प्रभास की जो दूसरी फिल्मों की कमिट थी जिसके चलते फिल्म काफी पोस्टपोन हुई थी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था 21 जुलाई 2023 को जहां पर कल की उठाइल एट एट रखा हुआ था उसके पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा हुआ था जहां पे वो कलकी के ऊपर फिल्म बनने वाली थी इसी वजह से वह टाइटल दिया गया था इसके बाद में रेफरेंस बताया गया था कि कलकवता जो हिंदू की जो मान्यता है जो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान का जो अवतार आने वाला है कल के रूप में और वह कलयुग में आप एक बुराई के ऊपर यानी कि असुर के ऊपर कली के ऊपर विजय करेगा और कलयुग का अंत होने वाला है ठीक उसी तरह यह सभी चीजें अनाउंस की गई थी वैसे यह फिल्म को महाभारत की वर के छह साल के बाद सेट किया हुआ है क्योंकि जिस तरह से पुराणों में जो मान्यता है कि 6000 साल के बाद जब कलयुग कांत आएगा तब भगवान कलकी का जन्म होगा तो वह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है जो डेवलपमेंट के दौरान भी सभी चीजें शेयर की गई थी प्री प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो फिल्म के ड्रा को राइटर यानी कि अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर है उनके साथ रथम समर और साई साईमाधव बुर्रीएस सरसगत कुमार ने इस फिल्म के लिए काम किया हुआ इससे पहले समर और बुर्र दोनों महानती में काम कर चुके थे फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो 24 जुलाई 2021 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रखी हुई थी सभी कास्ट और क्र मेंबर के साथ फिल्म का वर्किंग टाइटल पर प्रोजेक्ट किए रखा हुआ था उसके बाद में इस फिल्म में बताया गया था कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे कुछ व्हीकल डेवलप किए हुए कुछ व्हीकल सीजीआई के थ्रू आपके साथ रिक्रिएट करते हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाते हुए यूट्यूब जीरो मौथ अंबा का, तो उसके चैनल के ऊपर आप इस फिल्म के रिगार्डिंग काफी सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हुए जिस तरह से व्हीकल स्क्रेच से बनाया हुआ है वह सभी चीजें भी दिखाई गई हैं जिस तरह से सेट तैयार किए गए थे जिस तरह से शूटिंग की गई थी उन सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में सभी चीजें शेयर की हुई थी वहीं पे इस फिल्म को काफी हद तक अः जहां पे काफी सारा पैसा डालते हुए फिल्म को तैयार किया गया था इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म में ए आर रहमान म्यूजिक देने वाले जो अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला था कि वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके जिसके बाद में उन्होंने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म मिकी जे मेयर को लेने का फैसला लिया था और एडिटर के तौर पे कोटगर वेंकटेश्वर राव और डिजाइनर के तौर पे नितिन जहानी चौधरी को अप्रोच किया गया था सिनेमेड्राफी दानी सचेत लोपेज को अप्रोच किया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर तोता विजय भास्कर और शालिनी नथानी और साहित्य पाता को लिया गया था लेकिन लेटर ऑन पता चला सरबन सिनेमेट ग्राफर डेज डी स्टॉय कोविक इस फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे डेनी को वहीं पे ऑफिशियल ग्राफर के तौर पर अनाउंस किए गए थे फरवरी 2023 में और अनाउंसमेंट हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर में जो मिकी जे मेयर है उनको रिप्लेस करेंगे संतोष नारायण और इस फिल्म में फीमेल बॉलीवुड कंपोजर इस फिल्म में गाना कंपोज करती हुई नजर आएगी स्टंट डायरेक्टर के तौर पे कोरियोग्राफर के तौर पे एंड्रेस नेगन को लिया गया था वहीं पर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने इस प्रोजेक्ट को मेंटर के तौर पर ज्वाइन किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास को इस फिल्म में लंबे बाल बियर्ड के साथ दिखाया हुआ था जो जैसे देखा बाहुबली का लुक था थोड़ा उसी टाइप का लुक था लेकिन थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया हुआ हुआ था था उसके बाद में में दीपिका को बेस फिल्म में अप्रोच किया हुआ था। और उनकी देखा जाए तो एक अनरिलीज फिल्म इससे पहले लव फॉर करके तेलुगु फिल्म आई थी तो वह रिलीज तो नहीं हुई थी वैसे इनकी वैसे वैसे पहली तेलुगु फिल्म है अदरवाइज इस तरह से देखा जाए रिलीज नहीं हुई उस फिल्म के हिसाब से तो ये उनके सेकंड फिल्म थी अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में लिया गया था जहां पर उनका तेलुगु डेब्यू था उसके बाद में कमल हसन को एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था दिशा पटानी को भी इस फिल्म में अप्रोच किया गया था जहां पर उनकी चिकती राज्यम और लोफर के बाद इस थर्ड तेलुगु फिल्म थी उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद न सस्वथा चटर्जी ब्रह्मानंदम पशुपति मालवी का नेर को इस फिल्म में प्रोमिन रोल के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अन्ना बहन का यह तेलुगु डेब्यू था कीर्ति सुरेश अर्जुन दास को वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया गया था जहां पर अर्जुन दास ने लॉर्ड कृष्णा के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कीर्ति सुरेश ने बुज्जी के लिए वॉइस ओवर दी हुई थी कुछ कैमियोस देखने को मिले थे काफी बड़े कैमियो थे जहां पर दुलकर सलमान विजय देवरकोंडा मरुणाल ठाकुर एस एस राजा मौलीराम गोपाल वर्मा केविन अनुदीप जैसे कई कैमियोस देते हुए नजर आए थे और काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है उनके मज का प्रिंसिपल ऑन फोटोग्राफी 24 जुलाई 2021 में स्टार्ट करवाई गई थी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जहां पर अमिताभ बच्चन को लेते हुए शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था प्रभास और दीपिका पड़कर ने दिसंबर 2021 में सेट को ज्वाइन किया हुआ था जहां पर उनके कुछ सीन्स थे वह अमिताभ बच्चन के भी साथ शूट किए हुए थे सेकेंड शेड्यूल था वह फरवरी 2022 में सा तैयार किया गया था उसके बाद में इस फिल्म को करीबन आठ हजार नब्बे दिन दिनों की शूटिंग थी जहां पर सात आठ दिनों के एवरी मंथ शूटिंग रखी गई थी और और इस तरह से इस फिल्म की पूरी शूटिंग को उस शेड्यूल में तैयार किया गया था बाद में कुछ एडवांस कैमरा में जैसे कि डी आई ए सिक्सटी फाइव कैमरा का यूज करते हुए पूरी फिल्म को शूट किया हुआ था और प्रभास की शूटिंग थी वह सोलो पोर्शन की अप्रैल 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन उनकी न्यूज सर्जरी की वजह से और सलार फिल्म की शूटिंग की वजह से उनकी फिल्म की यह शूटिंग एट स्टार्ट हुई नाइन्टी पर फिल्म की शूटिंग थी अब रामोजी फिल्म सिटी में ही कंप्लीट करवाई गई थी जहां पर जून महीने में अमिताभ बच्चन ने राइज और मेट्रो स्टेशन में उनके पोर्शन की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में जुलाई महीने में प्रभास और दीपिका पाड़न का जो कार चेज वाला सीक्वेंस था हैदराबाद में शूट किया हुआ था उसके बाद में प्रभास ने अपने मेजोरिटी शूटिंग है उसी शेड्यूल में कंप्लीट करवा दी थी जनवरी 2023 तक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पर बताया गया था करीबन आठ महीने जितना टाइम लगेगा उसके बाद में इस फिल्म की बाकी की तैयार करवाई काफी मजबूत थे तो इस वजह से यह फिल्म काफी बढ़िया बनके निकली हुई है आसानी से इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो जहां पे एक देखा जाए तो डिस्टोपियन लैंडस्केप के द्वारा फिल्म को बनाया गया था तो यह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती हैं तो इस फिल्म को आसानी से आपको देखना चाहिए इस फिल्म की थिएटर रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 600 करोड़ के बजट के साथ 27 जून 2024 को तेलुगू तमिल कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर गया था वहीं पे इस फिल्म का तेलुगु वर्जन अन्नापूर्ण स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूटर और दुल्का सलमान के द्वारा वे फेयर फिल्म के नीचे केरला में इस फिल्म का वर्जन डिस्ट्रीब्यूटर वाया गया था केवी एंड प्रोडक्शन कर्नाटका में और श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इस फिल्म को सभी जगह पे अच्छी रिलीज मिली हुई थी जहाँ पे इस रिलीज के साथ इस फिल्म ने जो अपनी प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी है वो करीबन 600 तो करोड़ की की हुई थी जहां पे सभी वर्जन के राइट्स आ गए से टेला डिजिटल म्यूजिक कल जहाँ पर थ्री सो नाइन्टी करोड़ तो सिर्फ थिएटर राइट्स बेचे हुए थे तो एक काफी भारी रकम इस फिल्म को बेचा हुआ था जहां पे ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट थे वो करीबन विलेज ग्रुप वालों ने अस्सी करोड़ में खरीदे हुए थे तो एक हाई एंड बजट सॉरी प्री रिलीज बिजनेस किया हुआ था इस फिल्म ने एक अच्छे खासे थियेटर राइट्स बेचे गए थे फिल्म का बस भी कुछ उसी तरह था टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स आउट हुए थे तब फिल्म ने काफी बढ़िया बस क्रिएट किया था जिसके चलते इस फिल्म ने अभी तक आई के ऊपर 28,000 हजार वोट हासिल कर लिए २८,००० हजार वोट हासिल कर लिए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर और इंडियन फिल्म्स ने काफी बढ़िया तरीके से यह इंडियन फिल्मों में से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी पहले दिन के लिए ओपनिंग लेने वाली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म ने इंडिया से करीबन नाइन करोड़ जितना ग्रोस का के किया था बाकी सभी और ससे कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर दो प्लस करोड़ का कलेक्शन किया जहां पे इंडिया से एक करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इनसाइड आउट टूर्द क्वाइट अ क्लाइट प्लेस डे वन करके जो फिल्में आई थी उसके बाद में थर्ड पोजीशन इस फिल्म ने ओपनिंग में हासिल की हुई थी ग्रोज कलेक्शन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ओपनिंग वीकेंड जो एक्सटेंडेड था उसमें फोर करोड़ का किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सात दिनों के अंदर करीबन और करीबन 600 करोड़ के बजट के सामने 700 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन अभी तक कर लिया खास करके फिल्म हिंदी फिल्म में हिंदी वर्जन में काफी बढ़िया तरीके से चल रही है हिंदी वर्जन इस फिल्म का डे डे जिस तरह का ग्रोथ लिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि फिल्म ने जब रिलीज ली हुई थी तब डेफिनेटली तेलुगू वर्जन ने काफी बड़ा कलेक्शन किया था लेकिन अब हिंदी वर्जन में फिल्म काफी वायरल हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पसंद की जा रही है जिसके चलते इस फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी वर्जन में किया हुआ था इंडिया से फ्राइडे के दिन उस कलेक्शन में 23 करोड़ 25 लाख का का एक कलेक्शन निकल के आया तीन पर का ग्रोथ देखने को मिला वर्किंग डे होने के बावजूद सैटरडे के दिन फिल्म ने तेरीन पर का जम दिखाया छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन चालीस करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन किया करीबन पितावन पर का ग्रोथ दिखाया था सैटरडे के दिन तो इंडिया और साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था इस वजह से थोड़ा कलेक्शन कम देखने को मिला लेकिन उसकी भरपाई संडे के दिन 40 करोड़ का कलेक्शन करते हुए की हुई थी मंडे के दिन फिल्म ने 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 13 करोड़ का और वेनसडे के दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में करीबन करीबन एक करोड़ पंद्रह लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था ओसेस ओसेस में भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इसी के बदल सात दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया ओसेस हिंदी तमिल तेलुगू कनाडा मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाते हुए बॉक्स ऑफिस पे सात सौ करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है अभी तक अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख सकते हो थिएटर कल रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की तो इस फिल्म को थिएटर में आप एंजॉय कर पाओगे सभी वर्जन में तमिल तेलुगु, हिंदी कनाडा मलयालम में अदरवाइज ओ के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट है वो दो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास है जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज इज के लिए जो ओ टी टी राइट है वो एमेजॉन बिजनेस डॉट इन वो नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा महीनों के बाद ये फिल्म एमेजॉन डॉट इन विध सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वह आपको देखने को मिल जाएगा फैक्टर्स से जो बातें थी वह मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े हुए सभी जो एपेक है वह भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू